अरू बाकी आयो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल रिम्बिक कलौरी पर। दोस्तों, आज हम लोग एमजी मार्ग घूमने के लिए आए, महात्मा गांधी मार्ग। तो आज दिवाली का दिन है, तो आप सबको दिवाली के हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। अभी मैं आप सबको महात्मा गांधी मार्ग का पूरा दृश्य दिखाने वाला हूँ, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहेगा। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप सबको गैंगटॉक एमजी मार्ग पर लेकर आया हूँ। मैं पहले दो बार और अपने ब्लॉग पर महात्मा गांधी मार्ग यानी कि गैंगटॉक का एमजी मार्ग दिखा चुका हूँ। फिर ये तीसरा मेरा एमजी मार्ग का ब्लॉग है जो कि मैं आप सबके सामने आज दीपावली के दिन शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, महात्मा गांधी यानी कि एमजी मार्ग गैंगटॉक शहर के एक बहुत ही मध्य में स्थित और बहुत ही मशहूर ये रोड है। यहाँ पे कई सारे शूटिंग्स होते हैं, कई सारे फिल्मों का गाना वाना रिकॉर्ड होता है और यहाँ काफ़ी ये इसलिए भी दोस्तों काफ़ी मशहूर और काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पर ना तो थूकना आपको मना है, यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है और सबसे अच्छी चीज़ें क्या है कि यहाँ वाहन मुक्त है। दोस्तों, ये इतना बड़ा रोड होने के बाद में यहाँ पर आपको गाड़ी वाहन बिल्कुल आने जाने का लिए बंद है, यहाँ पर सिर्फ इंसान लोग आवाजावत कर सकते। तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा है क्योंकि पूरे हमारे भारतवर्ष में देश में एकमात्र एक ऐसी रोड है जहाँ पर गाड़ी का आना जाना मना है, थूकना मना है और बिल्कुल यहाँ पर इंसान इसीलिए अपने पर्यटकों को ये रोड अपनी ओर खींचता रहता है, इसीलिए साल भर यहाँ पर भीड़ रहता है। दोस्तों, कभी भी ये एमजी मार्ग खाली नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ लोगों का भीड़ रहता है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने यही रोड शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ठाड़ो लाइन। ठाड़ो लाइन, यहाँ से हम सीधा निकलेंगे लाल बाजार और डेंजोंग पिक्चर हॉल, डेंजोंग सिनेमा हॉल बोलते, जो डेंजोंग पिक्चर हॉल और लाल बाजार जाने का ये एमजी मार्ग से नीचे की तरफ का रास्ता है जिसको अपने लैंग्वेज में ठाड़ो लाइन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ के इसके दाहिने बाएँ भी बहुत सारे दुकानें हैं, ये है अपना पिक्चर हॉल डेंजोंग सिनेमा। अभी ब्लैक एडम पता नहीं कौन सा अंग्रेजी मूवी लगा रखा है। दोस्तों, अभी दीपावली होने के बाद से आगे देखिए फूल का दुकान है, कुकरी कुकरी बम फक हंसिया भी बेच रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पूरा फूलों का दुकान लगा रखा है अभी। दोस्तों, अभी मैं एंट्रेंस कर रहा हूँ लाल बाजार के अंदर, जिसको लाल तो है नहीं लेकिन लाल बाजार के नाम से जाने जाते। ये देखिए भीड़ दोस्तों, ये है यहाँ का लाल बाजार। अभी यहाँ पर फूलों का बिजनेस हो रहा है क्योंकि दीपावली का सीजन है। यहाँ पर 4-5 मंजिला बिल्डिंग है लाल बाजार के नाम से जो प्रख्यात है पूरे गैंगटॉक में। यहाँ आपके हर प्रकार के सस्ते महंगे सामान मिलेंगे, हर प्रकार के आपको ज़रूरतमंद सामान। तो सबसे नीचे आपको साग सब्जी से ये लाल बाजार के टॉप पर अभी एक मेला लगा रखा है, मेला जैसे है यहाँ पे सामानों का। यहाँ पे आपको जूस, घर का किचन का आइटम, फर जो दोनों रोड के साइड साइड में बेंच बनाया है काट का, वहाँ पे बच्चा आप दिन भर इधर उधर नजर रख सकते हो, धूप छाँव सेक सकते हो, मजे ले सकते हो, मेरे आप मेरे दाहिने ओर देख सकते हो। ऐसे बेंच उस बाएँ की तरफ ही है, वहाँ पर आप आराम से देखते हो, जैसे मतलब एमजी मार्ग में अपना सुकून से अपना नज़ारा देख सकते हो। सब्जी
घूम घूम के हाथ तो हैरान हो के हम लोग इधर बैठे हैं, हाथ तो हैरान है। ये मेरा दोस्त है। अबे हम पूरा गैंगटॉक बाजार पूरा घूम गए, अभी बहुत हत्तु हुआ हम लोग हत्तु, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करके बैठे। ये है रोप वे जो कि ऊपर से बिल्कुल देवराली बाजार की तरफ जाता है। देखिए आप भी देख सकते हैं देवराली बाजार कितना खूबसूरत दिख रहा है रोप वे से। यह है गैंगटॉक व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरे गैंगटॉक सिटी तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो आसपास के गांव है वो बहुत ही काफ़ी शानदार दिखाई देता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अभी मेरे आप मेरे ब्लॉग पे देखिए, ये जो दिख रहा है ये है नीचे सियारी सियारी लोअर सियारी, और जो मेरे बाएँ साइड दिख रहा है ये पूरा है रीजे भूसुक पाविक नईताम दस माइल बाबा मंदिर, जो भी इस टाइप का गाँव का नाम है वो सब गाँव दिखाई देता है। तो आसम लिंजे उस तरफ है दिखाई नहीं देता, लेकिन जो भूसुक का इलाका पूरा दिखाई दे रहा है। ये ऊपर सीढ़ी है जहाँ से हम लोग आए थे। ओहो ये देखिए लाल बाजार में भीड़, पिक्चर हॉल के सामने का नज़ारा है बिल्कुल। ये लाल बाजार के जो डेंजम सिनेमा हॉल है उसके सामने कैसे मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए पब्लिक आज दिवाली के दिन। ये हमारा सुपर मार्केट यानी कि ऑर्गेनिक मार्केट है। यहाँ पर कुछ फालतू नहीं बिकता, सिर्फ जो सिक्किम में उपजाऊ हुआ है, जो प्योर यहाँ के ज़मीन पे उपजा हुआ ऑर्गेनिक सब्जी है वही यहाँ पे बिकते हैं। ऑर्गेनिक खेती पाती सिक्किम में ऑर्गेनिक स्टेट का अवार्ड भी मिल चुका है सिक्किम को दोस्तों, आप सबको पता ही है। तो ये सारे चीज़ सारे ऑर्गेनिक है जो सिर्फ सिक्किम में निकला हुआ है। ये देखिए काफ़ी शानदार व्यू। आज का यात्रा हमारा समाप्त हो गया ना पूरा ये, और मैं दोनों पूरा गैंगटॉक घूम लिया। अभी आप लोगों को मैं गैंगटॉक ख़त्म पूरा घूम के ख़त्म करके अभी हम लोग थक चुके हैं, हैरान हो चुके हैं, अभी वापस जा रहे हैं। बाय। चलिए दोस्तों आप मेरा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी ये जो छोटे छोटे मैं कार्ड जो दिखा रहा हूँ, ये किसी ने दिल्ली मुंबई कलकत्ता बेंगलोर आसपास के अपने लोकल से किसी ने भी ये विश करके हम लोगों को भेजा था। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चों ने भी बनाया है कार्ड हम लोगों को दीपावली विश करने के लिए। तो सारे लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों के प्यार आप लोगों की ये जो ममता है हमारे ऊपर बने रहे, जिससे कि हमें थप ऊर्जा मिलता है। तो और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग मेरे पुराने फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बनिए रहेगा मेरे ब्लॉग पे। तो आज के लिए तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखे और अगले ब्लॉग पे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बाय, थैंक यू यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए।